सुप्रभात छात्र, मैं आपका अध्यापक शशिकांत यादव। आज आपके सामने आज नया दिन है कविता के अगले अंश लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता के पिछले कुछ अंशों में आपने देखा कि कवि चाहता है कि हम मनुष्य मिलजुल कर वातावरण को, अपने अगल बगल के परिवेश को स्वच्छ बनाएं। जब अगल बगल का परिवेश स्वच्छ होगा तो प्रदूषण, गंदगी कम होगी और वायु सुवासित हो जाएगी। सुवासित कहने का अर्थ है सुगंधित हो जाएगी। कवि ने वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ मनुष्य को मन की स्वच्छता की ओर भी ध्यान देने के लिए कहा। कहने का अर्थ है, यह तो ठीक है, वातावरण स्वस्थ, वातावरण साफ सुथरा और स्वस्थ हो जाएगा, यह तो अच्छी बात है, पर मनुष्य को अपने बाहर की सुंदरता, बाहर की स्वच्छता के साथ साथ अपने मन की स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है, मन की मलिनता को साफ करने की आवश्यकता है। अब मन के अंदर की मलिनता क्या हो सकती है? मन के अंदर की मलिनता कहने का अर्थ है कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, जाति पाति का भेदभाव इत्यादि का अंत करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कवि ने बताया है कि हमें अपने मन को भी स्वच्छ करना है, तो मन को स्वच्छ करने के लिए मन के अंदर जो जड़ता है, जो ना समझी है, उसका अंत करना होगा, मन में चेतना को लाना होगा। जब हमारे मन में चेतना आएगी, हम नई चीज को स्वीकारेंगे, तो हम कुछ परिवर्तन ला पाएंगे और हम अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर पाएंगे। साथ ही साथ कवि ने अगली कुछ पंक्तियों में बताया है कि जब चारों ओर वातावरण, पर्यावरण और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा तो हमारे देश की नदियां भी स्वच्छ हो जाएंगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी। इस प्रकार हम सभी को मन अंदर और बाहर की स्वच्छता, मन या फिर यह कहें अंदर और बाहर की स्वच्छता की ओर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगली कुछ पंक्तियां इस प्रकार है, आज नया दिन है और नई बात है, अब न ईर्ष्या द्वेष रहे। आज नया दिन है और नई बात है, आज नया दिन है और एक कुछ नई बात है, क्योंकि हमने कुछ नया करने का दृढ़ संकल्प लिया है, नया करने की कुछ सोची है। अब न ईर्ष्या द्वेष रहे, क्योंकि अब हमारे मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या न रहे, मतलब द्वेष, ईर्ष्या मतलब जलन न रहे, द्वेष मतलब नफरत न रहे। मानो मन उदार है, क्योंकि अब हमारा मन कैसा होने हो चला है, हमारे मन में दया, करुणा, इस प्रकार के उदारता भरे भाव आ चुके हैं। आसपास, अंदर और बाहर स्वच्छता की ही पुकार है, आज नया दिन है और नई बात है। कहने का अर्थ है, आसपास, आसपास मतलब अगल बगल का पर्यावरण, निसर्ग, इसे स्वच्छ रखने की बात हो रही है। हमारे अंदर और बाहर, कहने का अर्थ है कि मन की स्वच्छता की बात हो रही है, मन की मलिनता को दूर करने की बात हो रही है, मन से जड़ता, ईर्ष्या, द्वेष को अंत करने की बात हो रही है। जब हम इसका अंत करेंगे तो हमारे अंदर और बाहर के दोनों ओर स्वच्छता रहेगी, और इसी स्वच्छता की ही पुकार है, क्योंकि आज कुछ नया दिन है और नई बात है। कहने का अर्थ है, अब हमने नई शुरुआत की है। कविता का सारांश मैं एक बार आसान शब्दों में बताना चाहूंगा कि कवि कुल मिलाजुला के स्वच्छता की ओर ध्यान देने के लिए कह रहा है, चाहे वह अंदर की स्वच्छता हो चाहे बाहर की स्वच्छता हो। बाहर की स्वच्छता का अर्थ है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। जब पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, चारों ओर हरियाली आ जाएगी, वातावरण में जो प्रदूषण है वह कम हो जाएगा, वायु सुगंधित हो जाएगी, किसी प्रकार का किसी को कोई रोग नहीं होगा। जब किसी प्रकार का रोग नहीं होगा तो मनुष्य खुशी होगा, सुखी होगा। साथ ही साथ अंदर की स्वच्छता की बात कही गई है कि हमें मन की स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखना है, मन की मलिनता का अंत करना है, मन के अंदर की बुराइयों का अंत करना है। जब हम मन की मलिनता और बुराइयों का अंत करेंगे तो हम इंसान एक दूसरे इंसान के साथ भाईचारा, प्रेम और आदर के साथ रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होंगे। यही बात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है, या यह कहूँ कि कविता के माध्यम से कवि ने छात्रों को यह सीख दी है कि हमें अपने मन की और बाहर की स्वच्छता की मलिनता की ओर ध्यान रखना आवश्यक है, इसे स्वच्छ बनाना आवश्यक है। जब इसे हम स्वच्छ बनाएंगे तो ही हम स्वस्थ, प्रसन्न और
सुखी रह पाएंगे। छात्रों अब इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर पर हम प्रश्नों के उत्तर पर हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। तो छात्रों आओ अभ्यास करें। मौखिक ओरल एक्सपीरियंस, सोचिए और बताइए। क प्रश्न है, सभी के मन में किस बात का उल्लास है? इसका उत्तर क्या होगा? सभी के मन में किस चीज का उल्लास है, किस चीज की जोश, किस बात का जोश है, क्या करने की इच्छा है? देश को स्वच्छ बनाने की इच्छा है, देश को स्वच्छ बनाने का उल्लास है। आज प्रत्येक मनुष्य किस बात के प्रति चेतन है? आज प्रत्येक मनुष्य देश, पर्यावरण, मन इत्यादि को स्वच्छ बनाने के प्रति चेतन है। स्वच्छ वातावरण से क्या लाभ होगा? जब आपके अगल बगल का वातावरण स्वच्छ होगा, वायु स्वच्छ होगी, तो क्या कोई रोगी बनेगा? नहीं। तो स्वच्छ वातावरण से रोग घटेगा और लोग खुशहाल बनेंगे। अंदर की स्वच्छता की बात किन पंक्तियों से स्पष्ट है? यह पंक्तियां हैं, अब न ईर्ष्या द्वेष रहे, मानव मन उदार है। क्योंकि मानव के मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा और मानव के मन में दया और करुणा के भाव होंगे, इसलिए अंदर की स्वच्छता इसमें इन पंक्तियों में दर्शाई गई है। पुकार किसकी है? पुकार स्वच्छता की है। आगे की पंक्तियां हम पढ़ेंगे। लिखित रिटन एक्सपीरियंस, सोचिए और लिखिए। थिंक एंड राइट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके अनुसार चेतन व्यक्ति कौन है? हमारे अनुसार चेतन व्यक्ति वह है जो केवल घर की साफ सफाई ही की नहीं, अपितु अपने मन को भी दूसरों के प्रति निर्मल रखता है, देश को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण योगदान देता है। कहने का अर्थ है, वही व्यक्ति चेतन है जो मन के साथ साथ बाहर, अंदर और बाहर दोनों की स्वच्छता की ओर ध्यान रखता है और दूसरों के प्रति आदर के भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को हम चेतन व्यक्ति कहेंगे। चेतना से क्या लाभ होगा? जब मनुष्य में चेतना आएगी तो वह जागरूक होगा। जागरूक होगा तो वह सही और गलत को समझ सकेगा, और जब वह सही और गलत को समझ सकेगा तो दूसरों के प्रति मन में मलिनता नहीं रखेगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करेगा। अत्यधिक कूड़े कचरे और दूषित वातावरण से किस प्रकार हानि हो सकती है? अगर आपके अगल बगल का वातावरण पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, अस्वच्छ होगा, तो लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी और कूड़े कचरे से प्रदूषण भी होने की संभावना रहती ही है। आगे बाहर के साथ साथ अंदर की स्वच्छता किस प्रकार संभव है, ये मैंने कविता की आखिरी 5 पंक्तियों में स्पष्ट किया था कि हमें दोनों की स्वच्छता रखने, अंदर मतलब मन की स्वच्छता और बाहर पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम इस प्रकार मन और बाहर की स्वच्छता की ओर ध्यान रखेंगे तो ही हम प्रसन्न और खुश रह पाएंगे। बाहर और अगला प्रश्न है अंग, बाहर और अंदर की स्वच्छता से क्या लाभ होगा? ये तो मैंने इस पर ये हो गया था। आगे बढ़ते हैं। दोनों देखा जाए तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही जैसा ही है। बाहर के साथ साथ अंदर की स्वच्छता किस प्रकार संभव है और बाहर और अंदर की स्वच्छता में क्या से क्या तात्पर्य है, मतलब दोनों का अर्थ कुल मिला जुला कर एक ही है। आगे हम बढ़ते हैं। जो विस्तार पूर्वक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। विस्तार पूर्वक मतलब बड़े में लिखिए। पहला प्रश्न है, कब आप अपने विद्यालय और उसके आसपास स्वच्छता किस प्रकार बनाए रख सकते हैं? यह प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है कि आप किस प्रकार रख सकते हैं। आगे प्रश्न का उत्तर ख, एक जिम्मेदार भारतीय कैसा होना चाहिए? क्या स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता मिशन जैसे कार्यक्रम आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता मिशन जैसे कार्यक्रम आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता होती है, लोगों की जड़ता का अंत होता है, लोगों में चेतना का जन्म होता है, लोग सही गलत को समझ पाते हैं। और ये पहला प्रश्न, एक जिम्मेदार भारतीय कैसा होना चाहिए? एक जिम्मेदार भारतीय ऐसा होना चाहिए जो अपने मन की मलिनता को दूर करे और साथ ही साथ लोगों के प्रति प्रेम, दया, उदारता का भाव रखे, मन के साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी वह जागरूक और समझदार हो। अगला प्रश्न है,
कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अर्थात कविता का भावार्थ लिखिए, कविता का सारांश लिखिए जैसा मैंने अंत में अभी अभी समझाया। आगे बढ़ते हैं छात्रों, आगे हम देखते हैं कुछ सही विकल्प वाले प्रश्नों को चुनेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, मैंने निशान ऑलरेडी लगा चुका हूं तो फिर भी आप देख लीजिए। सब में किस से स्वच्छ बनाने का उल्लास है, शहर को, देश को, नगर को कि घर को? देश को स्वच्छ बनाने का उल्लास है, जोश है। आवास किस प्रकार का है? आवास कूड़ा कचरा युक्त आवास है क्या? नहीं, सामान्य आवास है, बिल्कुल नहीं, सुंदर हरित आवास है। छात्रों आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न ग, रोग किस प्रकार के कहे गए हैं? पहला उदाहरण है सामान्य, महान, पीड़ादायक और दुष्कर। रोग के लिए दुष्कर शब्द का प्रयोग किया गया है इस कविता में, इसलिए सही उत्तर होगा दुष्कर। पुकार किसके लिए है? स्वच्छता के लिए, आदर के लिए, सुंदरता के लिए, नव निर्माण के लिए? पुकार स्वच्छता के लिए है, अगल बगल के परिवेश को स्वच्छ बनाने की पुकार है। छात्रों अब हम भाषा बोध करेंगे, जब देखेंगे भाषा बोध में क्या क्या पूछा गया है उसके उत्तर हम जानेंगे।